वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी अस्मितासु। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। इसमें टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल के द्वारा कोलकाता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराया गया हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो कथन सही है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा अलग मुस्लिम राज्यों के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की थी। जून 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन भारत के विभाजन की मांग को वापस लेने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? सिनेगॉग पूजा स्थल है यहूदी धर्मावलंबियों का, ऑप्शन नंबर सी। यहूदी धर्म में सिनेगॉग पूजा का एक सामुदायिक घर है जो न केवल सामाजिक सेवाओं के लिए बल्कि पूजा और प्रार्थनाओं के लिए एक सामूहिक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना स्थित है भिलाई में, ऑप्शन नंबर सी। भिलाई इस्पात सरियन भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात कारखाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स 30 स्टॉक पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। बीएसई सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल भारी सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार में 1986 में सेंसेक्स की रचना की गई थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रमुख इंडेक्स गणना होती है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न है, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया नियंत्रण बोर्ड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिव घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का 1 में कहा गया है कि
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुला। इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता होता है फर्म, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण स्पर्धा में फर्म कीमत ग्रहीता होता है। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा। अगला प्रश्न है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो दोस्तों वह रोजगार हो जाएगी प्रचलन बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रचलन बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो युग्म सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जबकि कथकली केरल का हो जाएगा, कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष आम सभा के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्य का चुनाव करती है। 10 गैर अस्थायी सीटों का क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश जो खिलजी वंश के पहले थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाम एम तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है कि संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन लाया गया जिससे इसे कभी कभी मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीति दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों वह संशोधन है 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो दोस्तों वह अनुसूची हो जाएगी 34वीं अनुसूची। 34वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के नियंत्रण सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे केटी शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था जिसने 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था। वह 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ और मारा गया। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतूर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है इंदिरा आवास योजना, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखते हैं, आसान सा प्रश्न है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड। पूरे राष्ट्रगान गाने में 5 अंतरे हैं और इसके गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न लिखते हैं, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को और अधिकतम होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल सबसे पहले खोजा गया था वह था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोनगोबरी पंजाब में स्थित हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है ईशान को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा ठंडी है? जो जलधारा ठंडी है वह है वेंगुला जलधारा। वेंगुला अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर बल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा 1 तथा 2। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया, जबकि कथन 3 और 4 गलत हो जाएगा। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरबल्लभ की समाधि पर किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। यह भी कथन गलत दिया गया है। दुनिया का सबसे पुराना संगीत कार्यक्रम हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर के देवी तालाब मंदिर में मनाया जाता है। संगीत सम्मेलन की शुरुआत बाबा हरिवल्लभ ने अपने गुरु स्वामी तुला गिरी जी की याद में की थी। यह 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात की क्या पहचान है? तो दोस्तों चक्रवात की पहचान है विनाशकारी हवा और वर्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना त्रेसकोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, जबकि राज्यसभा का सदस्य होने की स्थिति में 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए होम के अतिरिक्त सूर्यनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस माने जाते हैं इसके प्रमुख वास्तुविद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमस चंद बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इस ग्रुप में जो शामिल नहीं है वह है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात, केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हुए हैं, जबकि हरियाणा स्थल घिरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है?
बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति है? सोरिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर है सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? जिस राज्य की भूमि सबसे कम है वह है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%, जबकि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत रेल यानी कि डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? भारत की पहली विद्युत रेल चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा संपत्ति कर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मेजनी की तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1829 ईस्वी में। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नायलन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो जिला नायलन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह जिला है मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक होगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है? वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल होता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। बीटी बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है। बीटी कॉटन आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत अव्यय तथा कपास की एक किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकारों के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मोभित को। हेलियोफाइट यानी कि आत्मोभित ऐसे पादप हैं जो धूप में अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें धूप प्रिय पादप भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित रूप है, जो परिवर्तित रूप है तना का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है, छेद का आकार होगा? तो दोस्तों छेद का आकार होगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांसा। कांसा तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है। यह मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी धातुओं में से एक है। अगला प्रश्न है, वह धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार की है? तो दोस्तों वह धातु हो जाएगी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण डैश क्रांतिक कोण से डैश होगा।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण अधिक होगा क्रांति कोण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धूम कोहरा यानी कि स्मोक में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, सामान्यतः साबुन में जो क्षारक पाया जाता है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक। अगला प्रश्न है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, फेफड़े स्थित होते हैं फुफ्फुसारी गुहिका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट से। पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पायसीकरण क्या है, तो दोस्तों पायसीकरण है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, पायसीकरण क्या है तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएच से। एंजाइम और अन्य प्रोटीन पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है और इस सीमा के बाहर वे निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएज से, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम के द्वारा निष्पादित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन के कारण। हिपेरिन एक थक्का रोधक होता है जो खून जमने से रोकता है, यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में मौजूद होता है जो खून को जमने की अनुमति नहीं देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफ। अगला प्रश्न है, विषु शब्द किसका घोतक है, विषु शब्द घोतक है जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है, इस स्थिति में सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है, इन दोनों स्थितियों को विषु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीला रंग। और ये लास्ट प्रश्न आप सभी को कमेंट में बताना है, देखते हैं किनका आंसर सही होता है। थैंक यू।